मैम आप, हम चाहते हैं आप थोड़ा इनके बारे में कंसेप्ट बताएं, इसका क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। हाँ, ये बेसिकली जिस बच्ची का काम है उसने एक कंसेप्ट लेके काम किया था कि हम छोटी छोटी लेबर्स करके भी खुश रह सकते हैं। तो इसमें जैसे इसने प्रेस बताई, तो प्रेस का मतलब ये हुआ कि जैसे काफ़ी अभी इसमें मॉडर्न कंसेप्ट नहीं लेकर आई है, और पुराने ज़माने में जिस तरीके से प्रेस को लेके काम करते थे, हाँ, तो छोटे छोटे काम में भी हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट इसका है। जो सेकंड है, हाँ, इसके अंदर में इसने एक गांव की कल्चर को भी बताया है, और मॉडर्निटी चाहे हम कितनी भी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन हमें अपनी कल्चर या रूट्स से हमें डिटैच नहीं होना चाहिए। तो ये इसका ये कंसेप्ट है, और इसमें भी इसने वर्किंग पीपल ही बताए हैं, लेकिन वो भी बहुत ही खुश हैं गांव के साइड में, मतलब छोटे छोटे बताए जिससे बच्चे सब खुश रहे। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे काम है, बच्चों को बहुत खेलता हुआ भी बताया है, तो और छोटी काम करके भी लोग खुश हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्कूटर पे भी काफी कुछ बना रखा है इन्होंने, इसका क्या है? ये भी कंसेप्ट उसका पुराना स्कूटर इसने लिया है, नया स्कूटर या मोटरसाइकिल नहीं दिखाई है इसने, बहुत पुराना, जिसमें कि एक फैमिली, बहुत पूरी फैमिली भी बैठ के चली जाया करती थी, वो टाइम पीरियड का इसने कंसेप्ट लिया है। और इसमें भी उसने वही बताया कि शहर में किस तरीके से गांव के लोग भी आके बस रहे हैं, और शहर में भी किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, और वो भी छोटे छोटे काम करके वो भी खुश हैं। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेंट लिए हैं इसमें, कितने बच्चों ने? 200 से ऊपर बच्चे हैं जो BFA और MFA के बच्चे हैं, जिसमें तीन स्ट्रीम्स को इन्होंने कवर किया है, अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, और टोटल मिला के हमारे पास इसमें कम से कम 2200 करीब आर्टवर्क्स हैं। आर्टवर्क्स हैं, थोड़ा उसके बारे में, थोड़ा प्रदर्शन के बारे में बता दें, क्या क्या, किस टाइप के आर्टवर्क्स हैं, क्या है? ये अभिव्यक्ति हमारा 20वां आर्ट शो है। हर साल हम एक आर्ट शो करते हैं जिसमें बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कमर्शियल वे में, ताकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास में जो बायर्स हैं, चाहे वो एग्जीबिशन से हैं, क्यूरेटर्स हैं, या होटल मैनेजमेंट से हैं, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बायर इनसे कॉन्टैक्ट में आता है, और इनको एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म मिलता है। तो बायर्स जो आते हैं डायरेक्ट आपके उनके नंबर्स देते हैं, या फिर आपके थ्रू आते हैं? नहीं 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 नहीं, वो नहीं आते हैं, वो हमारी एग्जीबिशन का अब इतना इस लेवल पे प्रोपेगेंडा हो चुका है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि इनकी अभिव्यक्ति कब होगी। सेकेंडली, इनका जो काम है बच्चों का, वो बायर्स अपने लेवल पे लेते हैं, और इनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, किसी कभी किसी होटल का मिलता है, कहीं का कमर्शियल काम इनको मिलता है। जो कमर्शियल काम मिलता है वो आपके थ्रू मिलता है, या फिर बाद में बायर्स आते हैं वो डायरेक्ट इनसे कैसे? उसमें हमारा कोई इनपुट ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी आते हैं वो बच्चों से बात करते हैं, और बच्चों से डायरेक्ट ही उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसमें इसका हमारा कुछ वो नहीं रहता है कि भाई कोई परसेंटेज हमारा होता है या कुछ होता है, डायरेक्ट उनका काम होता है, बच्चों को कमर्शियल काम मिलता है। थैंक यू मैम।